हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस वीडियो। स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में, जिसमें जो सारा अपडेट है हम लोग पटना पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी जो भी सारे अपडेट, चलिए वीडियो की शुरुआत करके सारा अपडेट के बारे में डिस्कस करते हैं, जो भी सारा मॉर्निंग अपडेट है। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं, और इसमें जो एडमिशन्स का प्रोसेस चल रहा है पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय में वोकेशनल कोर्स के लिए, क्या कुछ प्रोसेस है, प्रोसेस के बारे में मैंने आपको बता भी दिया है, क्या सर आपको पॉइंट का ध्यान रखना है। चलिए वीडियो को आगे की ओर बढ़ाते हैं और सारे बात के बारे में चर्चा करते हैं। तो पहले आते हैं हम लोग पटना यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे, और पटना यूनिवर्सिटी के जो सारे अपडेट है उसको आपको दिखा करके आगे बढ़ते हैं। पटना यूनिवर्सिटी के अपडेट के बारे में आपसे चर्चा की जाए, तो पटना यूनिवर्सिटी ने अभी का जो डेट है आप जानते हैं आज हो गया है 19 नवंबर, और 19 नवंबर तक अभी तक कोई भी अपडेट को चीज नहीं किया गया है। और एक इम्पोर्टेंट कारण भी है, जो कि कारण आप जानते हैं, वो कारण है बीएचयू का रिजल्ट। बीएचयू का रिजल्ट इसको डायरेक्टली इफेक्ट कर रहा है, मैं बार बार आपको बता भी रहा हूँ। अगर बीएचयू का रिजल्ट के बाद अगर बीएचयू का रिजल्ट आने से पहले ही अगर स्पोर्ट एडमिशन के प्रोसेस को स्टार्ट कर देता है, तो स्पोर्ट एडमिशन के प्रोसेस कंप्लीट करने के बावजूद इसके पास फिर 100-200 के आसपास सीट बच जाएगा, क्योंकि बीएचयू में मैक्सिमम बिहार के भी स्टूडेंट रहते हैं, जो कोई भी डाउट नहीं है और ये बात आप भी जानते हैं। तो इनका सीट वैकेंट नहीं रह जाए, इसी के कारण ये ऐसा काम कर रहे हैं। हर हालत में यूनिवर्सिटी का जो ग्रेडिंग इफेक्ट है उसको ठीक करना है, क्योंकि इसके ग्रेडिंग इफेक्ट लगातार इसके खराब होते जा रहे हैं। और आप ये जानते भी होंगे कि पटना यूनिवर्सिटी के जो मैक्सिमम कॉलेज हैं उनके पास बी ग्रेड का रैंक है, ए ग्रेड का रैंक नहीं है, इनकी टॉप प्रायोरिटी में इनका रैंकिंग घटता है। इसलिए कोशिश में है कि इनका सीट वैकेंट नहीं जाना चाहिए, और इसके लिए स्पोर्ट एडमिशंस को लेट कर रहे हैं। बट स्पोर्ट एडमिशंस का जो लास्ट बाउंड्री है वो भी तैयार है कि 25 तक हर हालत में जो भी स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि हॉस्टल जो अलॉटमेंट का जो प्रोसेस है, यानी हॉस्टल को लिए जो एप्लीकेशन सबमिट होना है वो 25 तक सबमिट होना है, और अगर ये ज़्यादा लेट करेगा तो फिर स्पोर्ट एडमिशन वाले स्टूडेंट को हॉस्टल के अलॉटमेंट के प्रोसेस में फिर प्रेफरेंस नहीं मिलेगा, मतलब वो एप्लीकेशन सबमिट नहीं कर सकते हैं। इसलिए इस बात का ये ख्याल रख रहे हैं कि लेट इनको ज़्यादा नहीं करना है, और उम्मीद है कि आज 19 हो गया है, कल 20% कल आएगा। 100% आने का कारण यह भी है कि कल जो वोकेशनल कोर्स है पीजी का, उसका लास्ट डेट हो रहा है, तो यूनिवर्सिटी अथॉरिटी को बीच में आकर के डेट के बारे में बताना पड़ेगा। और जब डेट के बारे में, जब पीजी के रेगुलर कोर्स के बारे में बताएंगे, तो यूजी के स्पोर्ट एडमिशन के प्रोसेस के बारे में भी कल 100% बताएंगे। आपको बता दें कि एडमिशन के रिगार्डिंग वेडनेसडे को ही मीटिंग हो चुका है, बट वेडनेसडे के मीटिंग में क्या सारा डिक्लेरेशन, क्या सारा डिसीजन लिया गया है, इसके बारे में कोई भी एक्सप्लोरेशन नहीं। ये तो बात हो गई अपनी पटना यूनिवर्सिटी की। अब चलिए बात करते हैं पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी की, क्या कुछ अपडेट है पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी की। पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है अभी इस टाइम में। अगर पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी की बात अगर करूं, तो पहले पेपर के कटिंग से ही शुरुआत करते हैं, जिसमें आपको बता दें पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय में ऑलरेडी गुरुवार से यानी थर्सडे से स्पोर्ट एडमिशन्स का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है वोकेशनल कोर्स के लिए। और इसके लिए 21 से 24 में जो वोकेशनल कोर्स में वैसे स्टूडेंट जो एडमिशन लेना चाहते हैं वो 25 नवंबर तक अपना ऑफर लेटर डाउनलोड कर सकते हैं। साथ में बता दें वैसे स्टूडेंट जो अभी तक अप्लाई भी नहीं किए थे वो भी अप्लाई कर सकते हैं वोकेशनल कोर्स के लिए, और इसके लिए भी आखिरी डेट 25 नवंबर तक है। दूसरी बात आपको बता दें कि जो भी स्टूडेंट्स को अगर जो उसका ऑफर लेटर है अगर उसको डाउनलोड करने में प्रॉब्लम होता है, या फिर अगर आपको फिलअप करने में प्रॉब्लम होता है, तो आप उनसे कॉन्टैक्ट करें, अपना यूजर नेम और पासवर्ड हमारे साथ शेयर करें, ताकि दूसरे स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल कर सकूँ कि ऑफर लेटर कैसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर हमारे पास कुछ आई डी भी है उसके जरिए से। चलिए मैं आपको ऑफर लेटर डाउनलोड करने का तो प्रोसेस बता देता हूँ, फिलअप करने का भी प्रोसेस इस वीडियो में बता देता हूँ। लेकिन इस बात का ध्यान आप जरूर रखिएगा कि जो स्टूडेंट्स को न्यू एप्लीकेशन सबमिट करना रहे वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ताकि मैं उनके न्यू एप्लीकेशन को सबमिट कर सकूँ और दूसरे के लिए वीडियोस अवेलेबल कर सकूं, ताकि दूसरों को भी बेनिफिट हो सके। अब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कल किस तरीके से एडमिशन का प्रोसेस कंप्लीट हुआ पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय में, वो सारी बात के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। अगर पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी की कल की सबसे टॉप कॉलेज एएन कॉलेज के बारे में बात करूं, तो अभी जो एडमिशन का प्रोसेस चल रहा है बेहद ही आसान चल रहा है, और जो स्टूडेंट अभी जो वोकेशनल कोर्स में जितना आराम से एडमिशन हो गया उतना तो आसान से रेगुलर कोर्स में एडमिशन नहीं हुआ था। प्रोसेस के बारे में बात करूं, तो जो भी स्टूडेंट्स कल अपना ऑफर लेटर को लेकर के पहुंच रहे थे कॉलेज में, तो उनको बताया जा रहा था, चूंकि वहां पर स्टूडेंट का उतना डिमांड नहीं था, कल मैक्सिमम स्टूडेंट पहुंचे भी नहीं थे, या फिर कह सकते हैं कि वोकेशनल के लिए चॉइस भी कम स्टूडेंट का है, तो स्टूडेंट को बताया गया एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक में कि आप रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट में चला जाइए। मीन्स अगर आप बीबीएम के लिए ट्राई करना चाह रहे हैं तो आपको क्या करना है, बीबीएम के डिपार्टमेंट में चला जाना है। इसके बाद आपको अपना ऑफर लेटर, वहां पे परसेंटेज का कोई वैल्यू नहीं है, चूंकि कल मिनिमम जो परसेंटेज का जो स्टूडेंट हुआ उसका 58% का हुआ, इसका मतलब होता है कि किसी भी स्टूडेंट्स का परसेंटेज का वहां पे कोई वैल्यू नहीं है, चूंकि स्पोर्ट एडमिशन का प्रोसेस है। मैं आपको बार बार बताया हूं कि स्पोर्ट एडमिशन के प्रोसेस में अगर भीड़ बहुत ज्यादा होता है, स्टूडेंट का डिमांड होता है, तब फिर उन्हें इस प्रकार की पॉलिसी को अडॉप्ट करना होता है, बट इस प्रकार के अभी का जो सिचुएशन है उसमें कटऑफ का पॉलिसी को अडॉप्ट नहीं किया गया।
तो मान लीजिए कि आपको बीबीएम एडमिशन लेना है, तो कल जो प्रोसेस हुआ था वो एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक से बताया गया कि आप बीबीएम के डिपार्टमेंट में विजिट कीजिए। जैसे ही आप डिपार्टमेंट में विजिट करते हैं, फिर आपसे आपका ऑफर लेटर प्लस डॉक्यूमेंट सारा मांगा जाता है। एक बार जैसे ही आप अपना ऑफर लेटर देते हैं और अपना डॉक्यूमेंट देते हैं, तो फिर आपका वेरिफिकेशन हो जाता है, और वेरिफिकेशन करने के बाद आपका डॉक्यूमेंट्स भी आपको रिटर्न कर दिया जाता है, और आपका जो स्टूडेंट कॉपी है ऑफर लेटर का वो भी आपको रिटर्न कर दिया जाता है। प्लस आपको इंस्टेंट तुरंत के तुरंत आपको वहां पे प्रोस्पेक्टस मिलता है। प्रोस्पेक्टस का 500 रुपीज का चार्ज है एएन कॉलेज में। प्रोस्पेक्टस मींस एडमिशन फॉर्म कह सकते हैं वोकेशनल कोर्स का। इसके बाद पूरे आप फॉर्म को भरते हैं, फॉर्म को भरने के बाद आप जमा करते हैं। इसके बाद आपको दो से तीन दिनों के अंदर आपके मोबाइल पे मैसेज छूट जाएगा पेमेंट करने के लिए। आप पेमेंट करते हैं, आपका एडमिशन कंफर्म होता है। ये आसान सा प्रोसेस रहा है एएन कॉलेज में। उम्मीद है कि लगभग हर कॉलेज में इसी प्रकार के प्रोसेस को फॉलो किया जाएगा, क्योंकि जो सबसे बेस्ट कॉलेज है उसमें जब इस प्रकार के पॉलिसी को अडॉप्ट किया गया है, तो दूसरे कॉलेज में भी उम्मीद है कि इसी प्रकार की पॉलिसी को अडॉप्ट किया जाएगा। परसेंटेज का कोई वैल्यू नहीं है, पहले पहुंचिए, पहले एडमिशन लेकर के जाइए, 100% सिक्योर है। एडमिशन का जो रफ्तार है वोकेशनल कोर्स में वो रेगुलर कोर्स से भी कम है। रेगुलर कोर्स में तो कम से कम एटलीस्ट जब प्रोसेस स्टार्ट हुआ था तो एक दो सीट हमेशा घटता था, लेकिन इसमें ऐसा कोई बात नहीं है, इसमें डिमांड बहुत कम है। अगर मैं आपको एडमिशन पोर्टल पर लेकर के अगर सीट का स्टेटस दिखाऊं, तो सीट अभी मैक्सिमम भी लगभग 70% प्लस सीट खाली है। उसे आप लाइव हमारे साथ देख भी सकते हैं। लेटेस्ट सपोज मैं आपको बीबीएम का दिखाता हूं, बैचलर इन बिजनेस मैनेजमेंट में। तो अगर मैं आ जाता हूं, सबसे पहले एएन कॉलेज के बारे में ही देखता हूं। मैं जो कल सीट देखा था वो आपको 150 में 100 सीट था, अभी का क्या स्टेटस है चलिए दिखाते हैं। अगर शो बटन पे क्लिक करता हूं देन देख सकते हैं आप यहां पे किसी भी प्रकार का सीट में चेंजिंग नहीं हुआ है। इसका मतलब कल बीबीएम में एक भी एडमिशन एएन कॉलेज में नहीं हुआ है। जो स्टूडेंट से हमारा बात हुआ वो बीसीए के स्टूडेंट्स थे, बीएससी बायोटेक्नोलॉजी के स्टूडेंट थे। तो जो स्टूडेंट से हमारा बात हुआ उनमें मैंने देखा कि सीट का स्टेटस कमा है, इसका मतलब सीट घट रहा है एडमिशन होने के बाद। ऐसा नहीं है कि सीट घट भी रहा है एडमिशन हो भी नहीं रहा है, मतलब करप्शन वगैरह का कोई सिचुएशन नहीं है। और आपसे रिक्वेस्ट भी है, आप करप्शन को बढ़ावा ना दें, सीट आपके लिए सेफ है और सीट आपको मिलेगा ही। तो आप ट्राई कर सकते हैं, प्रोसेस बहुत आसान है। जो भी अगर आपको प्रॉब्लम हो देना में बताइएगा, फिर मैं आपके सारे प्रॉब्लम को दूर करने की कोशिश करेंगे। सो गाइज, ये सारा कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट था आपका पटना यूनिवर्सिटी का और पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी का। मैं आपसे रिक्वेस्ट भी किया हूं कि ऑफर लेटर वगैरह डाउनलोड करने में प्रॉब्लम हो या फिर आपको न्यू एप्लीकेशन सबमिट करने में प्रॉब्लम हो तो आप हमें बताइएगा। और न्यू एप्लीकेशन सबमिट करने का जो वीडियो है वो तो मैं अभी आपको नहीं दे सकता हूं, बट ऑफर लेटर डाउनलोड कैसे करना है और फिलअप कैसे करना है वो वाला मैं वीडियो आपको दे सकता हूं। चलिए वो प्रोसेस भी आपको समझा देते हैं। उसके लिए क्या करना है, एडमिशन पोर्टल पे आने के बाद यहां जो एप्लीकेंट लॉगिन का है, आप एप्लीकेंट लॉगिन पे क्लिक करते हैं। इसके बाद आप अपना यूजर नेम और पासवर्ड दीजिएगा। याद रखिएगा कि जो वोकेशनल कोर्स है उसका यूजर नेम और पासवर्ड 21U करके होगा। तो चलिए जो लॉगिन का जो आईडी पासवर्ड है वो फिलअप करके फिर आपको दिखाते हैं आगे क्या शो करता है। सो जैसे ही आप लॉगिन कीजिएगा, मतलब अपना यूजर नेम और पासवर्ड डाल करके लॉगिन कीजिएगा, तो आपको इस तरीके से का पॉपअप आएगा। पॉपअप में आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आपको मिल जाएगा आपका नाम, आप अपना नाम मिला लीजिएगा और यहाँ पे एक आपको ऑप्शन मिलता है स्पोर्ट मेरिट ऑफर लेटर। ये लगभग प्रोसेस सब सेम है, जिस प्रकार से रेगुलर का हुआ उसी तरीके से सारा प्रोसेस को कम्प्लीट करना है। बट चलिए आपको करके दिखाना है इसलिए दिखा रहे हैं। इसके बाद क्या कीजिएगा, आप स्पोर्ट मेरिट ऑफर लेटर पर क्लिक कीजिएगा। जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा यहाँ पे आ जाएगा डाउनलोड ब्लैंक ओपन ऑफर लेटर। आप इस बटन पर क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने आपके मोबाइल में या आपके पीसी में एक पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा और पीडीएफ ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगा। चलिए पीडीएफ कैसा है, किस प्रकार का है वो भी आपको दिखाते हैं। सो गाइस देखिए, पीडीएफ इस प्रकार का डाउनलोड हुआ है। इसमें क्या सारा कंटेंट है इसे समझिए। एक ऊपर का कॉपी है, इसमें दो पार्ट है, मैंने आपको बार बार बताया भी हूँ। इसमें दो पार्ट, एक है कैंडिडेट कॉपी, एक है कॉलेज कॉपी। इसमें ध्यान रखिएगा आपको क्या करना होता है, इसमें फिलअप करना होता है। मान लीजिए आपका टारगेट है कि एएन कॉलेज में विजिट करें, या आपका मान लीजिए टारगेट है कि हम 3-4 कॉलेज में विजिट करें, तो उतना आप ऑफर लेटर को डाउनलोड करके रखिएगा। और मान लीजिए कि जिस भी कॉलेज में आपको विजिट करना है वहां क्या लिखना है, टू द प्रिंसिपल। एएन कॉलेज में अगर आपको विजिट करना है तो आप यहां लिखेंगे एएन कॉलेज। यहां पे एएन कॉलेज लिखने के बाद फिर आपको क्या करना है, आगे क्यूर स्टेप्स को फॉलो करना। तो जैसे मान लीजिए कि आपको एएन कॉलेज में विजिट करना है और आपको बीबीएम लेना है, तो आप क्या करेंगे, टू द प्रिंसिपल में लिखेंगे एएन कॉलेज पटना, या जो भी कॉलेज में पहुंचना है कॉलेज ऑफ कॉमर्स पर लिख देंगे कॉलेज ऑफ कॉमर्स पटना। इसके बाद लिखिएगा कोर्स, कौन सा कोर्स में, बीबीएम बीसीए अपना देख लीजिएगा आप एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग कि आप किस कोर्स के लिए एलिजिबल आप होते हैं, उसके अकॉर्डिंग इसमें आप फिलअप कर दीजिएगा। फिलअप करने के बाद सेम काम आपको नीचे की साइड भी करना है। नीचे में भी सेम बॉक्स आपको मिलता है टू द प्रिंसिपल, इसके बाद उसमें भी भरना है और वोकेशनल कोर्स में भी भरना है। यहाँ पे आपको अपना सिग्नेचर कर देना है और सिग्नेचर करने के बाद उसको काउंटर पे जमा करना है, मीन्स डिपार्टमेंट में जमा करना है। इंस्टेंट आपका एडमिशन कन्फर्म हो जाएगा, पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा, पेमेंट कीजिए, टेंशन फ्री हो जाइए। और जो भी स्टूडेंट्स को अप्लाई करने में प्रोसेस हो या अप्लाई करने में दिक्कत हो या रेगुलर में अप्लाई कर चुके हैं, वोकेशनल में भी अप्लाई करना चाहते हैं और किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट के सारे डिटेल आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, ताकि फिर वीडियोज बना करके दूसरे स्टूडेंट्स को अवेलेबल कर सकूँ और उनका भी हेल्प हो सके। सो गाइस फाइनल वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो देखने के लिए बेहद ही धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस इंपॉर्टेंट वीडियो, एंड प्लीज अभी तक आप चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में वीडियो को लाइक भी जरूर देना।